वो भी एक क्रांतिकारी की बीवी रही है, उनको इस बात से डर नहीं लगता, डरती नहीं है वो, घबराती नहीं है। कल को उनके बेटे के ऊपर गोली भी चल जाएगी तब भी वो डरेंगी नहीं, विचलित नहीं होंगी। पर कम से कम मिलना तो चाहती हैं, गले लगाकर इस बात का आश्वासन तो चाहती हैं कि मेरा बेटा ठीक है। कभी उन्होंने कोई लालसा नहीं रखी, कोई सत्ता का उन्होंने लोभ नहीं रखा, कभी मीडिया के सामने उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा, और कभी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि भैया मीडिया, कल आप लोग खुद कितनी बार गए, पर उस माँ की पीड़ा को समझिए, कितनी कितनी कर रही होंगी वो अंदर, जब उनको पता चला कि उनके बेटे के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, लाठी छोड़ी गई। चिराग पासवान का कल मार्च किस तरीके से राजभवन के लिए निकला और प्रशासन और समर्थकों के बीच कैसे तीखी नोकझोंक हुई आपने देखा था। उसके बाद चिराग पासवान की मां रीना पासवान का भी वीडियो हमने दिखाया था। अब एक बार फिर से चिराग पासवान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और रीना पासवान को लेकर कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने साफ किया है कि उस महिला को भी बिहार में रोक दिया गया जिसे 44 साल में कभी नहीं रोका गया था। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान भावुक हो गए अपनी मां रीना पासवान की बातों को लेकर और कल उन्हें भी किस तरीके का परेशानियों का सामना करना पड़ा था। आप बोलिए कि भाई हम आपके नेता को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं, आप हमारे कार्यकर्ताओं को अंधेरे में आपने रखा, और उसके बाद वहां पे जब कार्यकर्ता अपने समर्थन में टू शो देयर सॉलिडैरिटी टुवर्ड्स देयर लीडर जब वो आना चाहते थे, उनको जिस तरीके से रोका गया, भाई पिछले 44 साल में पहली बार मेरी मदर को रोका गया अपने बेटे से मिलने के लिए। 44 साल से वो बिहार आ रही हैं, जब पहली बार शादी कर मेरे पिताजी के साथ जब वो बिहार आई थी, तब से लेकर आज तक बिहार की हर सुख दुख की घड़ी में वो मजबूती से खड़ी रही। क्या क्या आरोप उनके ऊपर नहीं लगाए जाते, क्या क्या निजी टिप्पणियां उनके ऊपर नहीं की जाती, पंजाबी हैं, ये हैं, वो हैं, कोई ऐसा रीति रिवाज धर्म बता दीजिए मुझे जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने ना किया हो, उनकी वेशभूषा उनका पहनावा मुझे बता दीजिए जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से ना किया हो, छठ पूजा दिवाली जो उन्होंने बिहारी संस्कृति के हिसाब से उन्होंने ना किया हो। पर आज 44 साल के बाद भी विपक्षी दल विपक्षी नेता हैं जो उनको अपनाने को तैयार नहीं होते, एक बेटे से उनको मिलने से रोका जाता है, सड़क पर उनकी गाड़ी को रोक दिया गया, जो हमेशा पर्दे के पीछे रही मेरे पिता की ताकत बनकर, कभी उन्होंने कोई लालसा नहीं रखी, कोई सत्ता का उन्होंने लोभ नहीं रखा, कभी मीडिया के सामने उन्होंने आना जरूरी नहीं समझा, और कभी नहीं आई। ऐसा नहीं है कि भैया मीडिया, कल आप लोग खुद कितनी बार गए, बट जब तक शांतिपूर्वक मार्च चल रहा था वो आप लोगों से शीशा बंद कर हाथ जोड़ती रही कि नहीं मुझे कुछ नहीं कहना, मुझे कुछ नहीं कहना। पर उस माँ की पीड़ा को समझिए, कितनी कितनी कर रही होंगी वो अंदर, जब उनको पता चला कि उनके बेटे के ऊपर आंसू गैस छोड़े गए, लाठी छोड़ी गई। बहरहाल वो भी एक क्रांतिकारी की बीवी रही है, उनको इस बात से डर नहीं लगता, डरती नहीं है वो, घबराती नहीं है। कल को उनके बेटे के ऊपर गोली भी चल जाएगी तब भी वो डरेंगी नहीं, विचलित नहीं होंगी। पर कम से कम मिलना तो चाहती हैं, गले लगाकर इस बात का आश्वासन तो चाहती हैं कि मेरा बेटा ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।